बाबूजी के स्वागत में कितने लोग आए हैं, बाजरा जोरदार ताली बजा करके बाबूजी का स्वागत करिएगा। नहीं साथियों, ये ताली आपको शोभा नहीं देती, क्योंकि ये बिहार के नायक नहीं पूरे भारत के नायक हैं, गरीबों के नायक हैं। इसलिए भावना एक बात कहना चाहेगा कि कभी खुशी होती है तो कभी गम होता है, लेकिन तालियां वही बजाते हैं जिनकी भुजाओं में दम होता है। तो जोरदार ताली बजा करके बाबू जी का स्वागत करिएगा। और आइए हम लोग के बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और गरीबों का, शोषित वंचितों का नेता, एकमात्र दलितों का नेता माननीय श्री जीताराम मांझी जी उपस्थित हो रहे हैं। सभी को ताली मार करके तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। और इसलिए बाबूजी के लिए कहना चाहूंगा कि भगवान शंकर के जैसा हमने विनायक नहीं देखा, पुत्र बहुत देखे लेकिन श्रवण कुमार के जैसा लायक नहीं देखा। युद्ध में बिहार की धरती पर नायक बहुत पैदा हुए, लेकिन बाबू चीतन राम मांझी जी के जैसा हमने महानायक नहीं देखा। इसलिए कराही की बटन जितने लोगों को दबाना है, सभी लोगों का हाथ ऊपर होना चाहिए, आवाज दे करके जय हिंद के नारा है। बाबूजी को पता है आप लोग क्या थे, हमें कहा मुख्यमंत्री थे, कहे मुख्यमंत्री थे तो बिहार की धरती से उन्होंने मुख्यमंत्री बनकर के गया की धरती के लिए खजाना खोल दिया था। और 9 महीने में जो बाबूजी ने किया है इस गया के लिए, इस धरती का कोई भी मुख्यमंत्री ना तो किया है ना तो करने वाला। इसलिए बाबू जी का वो शासन याद आता, इसे पगली में बता रहा हूँ। बाबू जी आ रहे हैं और चाचा जी जा रहे हैं, जिसे आवाज देता हूँ। अरे कितने लोगों का निशान कराही है, जरा हाथ उठा के बताइए। अब मैं समझा इस विधानसभा के विधायक के शुरू करवे 14 हाथ में उठाया कौन लोग गलती करें। इसलिए और उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने माता सबरी को तुम नहीं बचाओगे। अच्छा, भगवान राम ने याद कहकर के बुलाया, तो उस परिवार से तुमने तुम कहकर के बुलाया है।
आने वाला समय तुम्हें माफ नहीं करेगा। और माता सबरी का ये तुम्हारा तैयार हो गया है, इसलिए आवाज संतोष माझी जी हमारे बाबूजी के वो औलाद हैं, इसलिए आखिरी लाइन दे रहा हूं और अपनी बात को खत्म करूंगा। इसके तालियां के बीच से होना चाहिए। और आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, जब तक बाबूजी की बात खत्म नहीं होगी तब तक आप लोग इसी तरह से जमे रहिएगा। और जाते जाते बात कहकर जाता हूँ कि सौ की शहादत पे क्या कीजिएगा, इसी धरती से किसी मसीहा ने कहा था, इसलिए मैं बात कह रहा हूँ कि सौ की शहादत पे क्या कीजिएगा। हथेली पे अपना ये सर ले लिया है, अब अपनी तीस से क्या करना, जब उन्हीं के मोहल्ले में हमने ये घर ले लिया है, आगे बढ़ो और माझी समाज के गौरव, माझी सबरी के दीना थाना के गौरव को बढ़ा करके आप दशरथ माझी के सपना को पूरा कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार जयकारा के साथ बात खत्म करना चाहूंगा। बाबू चितलराम माझी जिंदाबाद।